हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ रासा इंटरनेशनल स्कूल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2, फोर फ्रेंड्स फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर बुक ऑफ क्लास 8। आई विल एक्सप्लेन द होल बुक एक्सरसाइज इन दिस वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, एज यू नो आई हैव डिस्कस द ऑल क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर इन प्रीवियस वीडियोज। So in this video, I'm going to discuss the grammar portion or vocabulary portion of this chapter. So as you can see here, correct and incorrect use of ellipsis. At first, you have to know what is ellipsis. You can see here, an ellipsis is a punctuation mark. What do you mean? Ellipsis is a punctuation mark. Ellipsis क्या होता है? Punctuation mark होता है, consisting of 3 consecutive dots. तीन लगातार डॉट लगे होते हैं जिसमें, ये जो ब्रैकेट में आप देख सकते हैं, ये वाला है क्या? एलिप्सिस। इट इज़ यूज टू शो ओमिशन। तो ये ओमिशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिलीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आई वॉज थिंकिंग मे बी वी शुड गो, मैं सोच रहा था कि हमें जाना चाहिए। व्हेन शी केम शी सॉ बलून्स, जब वो आई तो उसने बलून्स देखे। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंसेस के बीच में यूज़ किया गया है, ये है एलिप्सिस। अब ये यहाँ कैसे यूज़ हुआ, क्यों यूज़ हुआ? लेट रीड अहेड। अब यहाँ क्यों यूज़ हुआ, आइए हम आगे अगले पेज पर पढ़ते हैं। नाउ यू कैन सी हियर, आप यहाँ देख सकते हैं, इफ़ अ वर्ड फ्रेज लाइन पैराग्राफ और मटेरियल दैट इज़ लेस रेलेवेंट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम क्यूटेड टेक्स्ट, किसी भी लिखे हुए टेक्स्ट से कोई भी वर्ड फ्रेज लाइन अगर ऐसा लग रहा है कि वो लेस रेलेवेंट है, यानी उसके ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि अगर इसको यूज़ ना करेंगे तो भी चल जाएगा, तो ऐसे वर्ड फ्रेज टेक्स्ट को वहाँ से हटा दिया जाता है। विदाउट अलर्टिंग द मीनिंग ऑफ द पीस then ellipsis is used to indicate the removal of an ellipse or removal, तो उसको हटाने के लिए वहाँ पर ellipsis का use किया जाता है। an ellipsis can indicate a pause, अब ellipsis ज़रूरी नहीं है कि इसको removal के लिए use किया जाए। ellipsis की वजह से अगर कहीं ellipsis use किया गया है तो वहाँ पर pause भी हो सकता है dialogue और narrative में। a character pausing for emphasis ऑन द थाट्स ऑफ अ करेक्टर और नरेटर ट्रेलिंग ऑफ, तो कहीं पर भी लिए गए पॉजेज में भी इसका भी यूज़ किया जा सकता है। किसका? एलिप्सिस का। करेक्ट यूजेज ऑफ एलिप्सिस, सही यूज़ क्या है एलिप्सिस के? यूज़ एलिप्सिस टू शो द ओमिशन ऑफ अ वर्ड और वर्ड्स एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस, इन मिडल ऑफ अ सेंटेंस, बिटवीन सेंटेंस, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। यानी हम इसका यूज़ पहले भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं, है ना, और सेंटेंसेस के बीच में, यानी मिडिल, हाँ बीच में ही कर सकते हैं, पहले और बीच में, लास्ट में नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, आई वेंट टू माय आंट्स हाउस, मैं अपनी आंटी के घर पर गया। विच इज़ अपोजिट माय बेस्ट फ्रेंड्स हाउस, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड के हाउस के अपोजिट है। एंड देन आई केम होम, और फिर मैं उसके बाद घर आया। तो आप देखेंगे यहाँ पर किस चीज़ को ओमिट किया गया है और कहाँ एलिप्सिस यूज हुआ है। आफ्टर स्कूल आई वेंट टू माय आंट्स हाउस एंड देन केम होम, स्कूल के बाद मैं अपने आंट के घर गया और फिर वापस आ गया। अब यहाँ पर देखिए, जो आंट के घर गया, फिर यहाँ पर बोल दिया है विच इज़ अपोजिट माय बेस्ट फ्रेंड हाउस, तो बेस्ट फ्रेंड्स हाउस, यहाँ पर इस फ्रेज का या इस सेंटेंस का कोई भी मतलब नहीं था, है ना। आप इसको हटा दीजिए, फिर भी मतलब वही रहा कि मैं स्कूल गया, फिर मैं अपनी आंटी के घर पर गया जो मेरे फ्रेंड के अपोजिट में है, तो वहाँ पर उस चीज़ को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये नहीं बताएंगे कि आप कहाँ गए, वो घर कहाँ था, आप सिर्फ इतना बता देंगे आप कहाँ गए थे, तो उससे भी आपके पेरेंट्स मान जाएंगे ना, उतना भी मान चलता है ना, तो बस वही है। यूज़ द एलिप्सिस टू शो अ पॉज इन अ थॉट, अ पॉज फॉर एम्फेसिस और अ चेंज ऑफ मूड और टू क्रिएट सस्पेंस, तो ये पॉज को लेने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे आप कुछ बोल रहे हैं, आप बोलते समय पॉजेज ले रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई डोंट नो,
आई वॉज थिंकिंग मे बी वी शुड इन्वाइट देम फॉर डिनर। अब पॉज यहाँ पर आपने क्या लिए, आपने सोचते हुए पॉज लिए, है ना। तो आप यहाँ पर किसका यूज़ किया, आपने किसका यूज़ किया, एलिप्सिस का। शी ओनली टुक अप रनिंग 2 years अगो, वो 2 साल पहले दौड़ती थी। एंड नाउ शी इज़ आफ्टर विनिंग द ओलंपिक गोल्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। पॉज फॉर इफेक्ट फॉर एम्फेसिस। अब यहाँ पर क्या लिया, पॉज लिया किसके लिए, एम्फेसिस पे इफेक्ट डालने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। इफ़ द एलिप्सिस इज इन द प्लेस ऑफ अ वर्ड और पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, लीव अ स्पेस ऑन ईच साइड ऑफ एलिप्सिस। अगर आप कहीं भी एलिप्सिस का यूज़ कर रहे हैं किसी भी वर्ड की जगह, किसी भी सेंटेंस की जगह, तो आपको उसके दोनों साइड में थोड़ा सा स्पेस छोड़ना पड़ेगा। जैसे हम वर्ड्स के बीच में स्पेस छोड़ते हैं ना, उसी तरह से, ऐसा नहीं है कि फुल स्टॉप लगाया है, उस तरह से नहीं लगा सकते, इसमें स्पेस छोड़ना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और कुछ नहीं है। अब चलिए एक और रूल है वो और जान लेते हैं। इफ़ द एलिप्सिस इज यूज टू रिप्लेस वर्ड्स एट द एंड ऑफ सेंटेंस, इट शुड बी फॉलोड अ फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर इसके लास्ट में आपने एलिप्सिस यूज़ किया है तो वहाँ पर फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ही सेड, उसने कहा, आई लाइक चिकन टिक्का मटन एंड फिश, मुझे चिकन टिक्का मटन और फिश पसंद है, क्योंकि वो सब क्या है, नॉन वेगन फूड्स हैं। तो नॉन वेजिटेरियन फूड्स आप नहीं बोलेंगे तब भी, क्योंकि मटन और फिश सबको मालूम है नॉन वेजिटेरियन फूड्स हैं, है ना। तो ये क्या है, लेस रेलेवेंट है, इसलिए इसको वहाँ से ओमिट कर दिया गया। तो यू कैन सी हियर नोट लिखा हुआ है, नोट को पढ़ते हैं पहले। एन एलिप्सिस फॉलोड बाय अ फुल स्टॉप और फोर हैज़ फोर डॉट्स। जब एलिप्सिस में एलिप्सिस के बाद फुल स्टॉप लगाए तो वहाँ 4 डॉट हो जाएंगे, क्योंकि 3 डॉट तो एलिप्सिस के हो जाएंगे और 1 डॉट हो जाएगा फुल स्टॉप का। एन एलिप्सिस विद एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट यूज टू शो एक्साइटमेंट आफ्टर अ पॉज, है ना। तो वहाँ पर एक पॉज के बाद एक्साइटमेंट को शो किया जाता है जब इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ किया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, लेट रीड द नेक्स्ट रूल। एन एलिप्सिस मे बी यूज्ड विद कॉमास एंड सेमी कॉलन्स। कॉमा और सेमी कॉलन का भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे शी वेंट होम, वह घर गई, अब यहाँ कॉमा का यूज़ हो गया। एंड डिसाइडेड टू मीट हिम आफ्टर लेटर दैट इवनिंग। अब यहाँ पर देख आप क्या यूज़ कर सकते हैं, सी वेंट होम, सेमी कॉलन का यूज़ किया, शी वुड मीट हिम लेटर दैट इवनिंग। तो आप कॉमा के साथ आप यूज़ कर सकते हैं एलिप्सिस को, और सेमी कॉलन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं एलिप्सिस को। अ स्पेस शुड बी लेफ्ट बिटवीन द एलिप्सिस एंड द सेमी कॉलन। अब चाहे कॉमा हो या सेमी कॉलन हो, उसके बीच में स्पेस ज़रूरी है। अब स्टूडेंट यहाँ पर दिया गया है इनकरेक्ट यूज़ ऑफ एलिप्सिस, यानी गलत यूज़ क्या होंगे अगर आप करते हैं तो। इट इज़ रॉन्ग टू यूज़ एलिप्सिस टू मेक एवन अ सबटल चेंज इन द मीनिंग ऑफ अ कोटेशन। किसी भी कोटेशन में यूज़ करने से, एलिप्सिस के यूज़ करने से अगर मीनिंग चेंज हो रहा है उसका, तो वो गलत होगा। इफ़ इट अलर्ट्स द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस और कोटेशन, देन इट शुड बी नॉट यूज्ड, है ना। अगर ये किसी भी को ऑल्टर्स, अगर ये किसी को ऑल्टर करता है, चेंज करता है, तो यूज़ नहीं होने वाला। स्पेस शुड बी लेफ्ट ऑन ईच साइड अगर ऑफ द एलिप्सिस, इट शुड नॉट बी क्लोज टू द वर्ड्स। तो आप इसको क्लोज्ड भी नहीं कर सकते, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, स्पेस देना पड़ेगा एलिप्सिस के बोथ साइड्स पर। स्टूडेंट्स, आई हैव सेंट ऑल दीज सेंटेंसेस यूजिंग एलिप्सिस इन वर्कशीट, बट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ दे आर। When did he go out again? वो दोबारा से बाहर कब गया? और where did he go और कहाँ गया? तो स्टूडेंट्स, इन दो सेंटेंसेस में से आप बताइए सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, where did he go, वो कहाँ गया। अब आपके पेरेंट अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो क्या पूछेंगे, वे पूछेंगे कहाँ गया, वो ये नहीं पूछेंगे कि कब गया। हो सकता है ये बाद में पूछें, लेकिन दोनों में से प्रेफर आप किसको देंगे, तो दो में से जब अगर कोई एक चुनना हो तो आप यही कहेंगे कि वो कहाँ गया, है ना। चलिए, तो इसके बाद आप एलिप्सिस का यूज़ कर देंगे। अब क्योंकि ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क यूज़ करिए,
आई थिंक आई सॉ द कीज समवेयर नियर द टीवी और द रेफ्रिजरेटर, क्यों मुझे लगता है मैंने कीज़ को देखा है समवेयर, कहीं देखा है। अब कहीं बोल दिया, कहीं बोलने के बाद भी क्या बोल रहे हैं कि नियर द टीवी और द रेफ्रिजरेटर। अब जब आपने कहीं बोल दिया तो आपको टीवी और रेफ्रिजरेटर की बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने क्लियरली नहीं बोला कि वहीं देखा है, ऐसा बोला कहीं देखा है ना। तो आई थिंक आई सॉ द कीज समवेयर, अब मुझे लगता है मैंने कीज़ को कहीं देखा है, बस इट्स इनफ। तो आप इसको क्या कर देंगे, नियर द टीवी और रेफ्रिजरेटर को क्या कर देंगे, ओमिट कर देंगे। द टीचर हु हैज़ बीन ऑन हर लंच ब्रेक, टीचर जो अपने लंच ब्रेक पर थे, वॉज नॉट श्योर हु हैड टेकन द बुक, उनको क्लियर नहीं है कि बुक किसने ली। अब टीचर को क्लियर नहीं है, अब ये लिखने की ज़रूरत क्या है कि वो अपने लंच ब्रेक पर थे, आप सीधा ये लिख दीजिए द टीचर वॉज नॉट श्योर हु हैड टेकन द बुक। तो आप इसको यहाँ से ओमिट करेंगे और इसकी जगह एलिप्सिस का यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे समझते हैं। फोर्थ वन, आई एम नॉट श्योर वॉट टू डू विद द डायमंड रिंग, मुझे नहीं पता कि डायमंड रिंग से क्या करना चाहिए, डायमंड रिंग का क्या करना चाहिए। शी सेड, उसने कहा, अ नोट ऑफ अनसर्टेनली इन हर वॉइस, तो उनकी आवाज़ में एक अनसर्टेनली यानी हिचकिचाहट, अनिश्चितता का फील देखा जा सकता था। आई एम नॉट श्योर वॉट टू डू शी सेड, उसने कहा मुझे नहीं पता क्या करना है, है ना। अब किसके साथ करना है किसके साथ नहीं करना उसको आप ओमिट कर दीजिए यहाँ से, क्योंकि उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, वो लेस रेलेवेंट है। आई नेवर थॉट दैट यू वुड बैक स्टैब मी एंड हर्ट मी लाइक दिस, बैक स्टैब्स मतलब मेरे मतलब बोलते हैं ना कि मुझे धोखा देना, झटका मतलब कोई शौक देना, है ना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे साथ ऐसा करोगे और मुझे चोट पहुँचाओगे। तो आपको और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना बोल दीजिए आप आई नेवर थॉट, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, दैट्स इट। और कोई भी सारी चीज़ें लेस रेलेवेंट हैं तो आप उनको ओमिट करके एलिप्सिस का यूज़ कर दीजिए। वाई शुड सी डू दैट टू यू, आप उसे आपके साथ ऐसा क्यों करना होगा, यानी उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया है ना, या वो आपके साथ ऐसा क्यों करेगी। तो why would she ऐसा क्यों करेगी, वह ऐसा क्यों करेगी, let it's enough, इतना ही काफ़ी है, बाकी आप omit कर दीजिए, ellipsis का यूज़ कर दीजिए। yucks I can't believe he did that, yucks मुझे पता नहीं उसने ऐसा, मैं विश्वास नहीं कर सकता उसने ऐसा किया है। तो yucks जो वर्ड है ये इंटरजेक्शन वर्ड है, ये यूज़ ही इसीलिए किया जाता है कि किसी चीज़ पर आपको बिलीव नहीं हो रहा है ना, शौक है आपको बिलीव नहीं हो रहा, तो उसके लिए यूज़ ही yucks किया जाता है। तो आप सिर्फ इसको लिख कर बाकी सबको ओमिट कर दीजिए, एलिप्सिस का यूज़ कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ डायमंड नेकलेस स्टोलन फ्रॉम अ हाई सिक्योरिटी वॉल्ट इन पेरिस वॉज यूज वन डे लेटर इन अ गैंगस्टर मूवी, एक पेरिस से एक नेकलेस चोरी हुआ बहुत ही सिक्योरिटी वॉल्ट वाली जगह से, और उसको दूसरे दिन एक दिन बाद उसको एक्शन मूवी सॉरी गैंगस्टर मूवी में यूज़ किया गया। अब आपको सिर्फ कहाँ से चोरी हुआ कैसे चोरी हुआ नहीं लिखने की ज़रूरत है, सिर्फ आप लिखने दीजिए और डायमंड नेकलेस स्टॉलन इन पेरिस में चोरी किया गया, वॉज यूज वन डे लेटर एक दिन बाद उसको गैंगस्टर मूवी में यूज़ किया गया। नेक्स्ट रेस्टोरेंट, आफ्टर आवर्स ऑफ केयरफुल थाट आई वोटेड टू रिजेक्ट इट प्रपोज अमेंडमेंट टू द विल, मैंने काफ़ी टाइम सोचने के बाद मैंने वोट किया जो रिजेक्ट हो रहा था, रिजेक्ट प्रपोज अमेंडमेंट बिल को, है ना। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ आप यहाँ पर एलिप्सिस की दीजिए यूज़, क्योंकि इसमें कुछ भी रेलेवेंट नहीं है, लेस रेलेवेंट नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर ऐसे ही यूज़ कर लीजिए इसकी, इसको आपको कुछ भी ओमिट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन इज़ इट वॉज द मिरेकल That nobody was hurt, ये बहुत ही miracle है, miracle मतलब कुछ अद्भुत चीज़ हो जाना, विचित्र है कि किसी को चोट नहीं आई। इन द हाई स्पीड ट्रेन क्रैश, बहुत ही स्पीड में ट्रेन का क्रैश हुआ। द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, इट वॉज अ miracle दैट nobody was hurt, द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये miracle है, किसी को चोट नहीं आई। क्या हुआ किस में हुआ वो कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द लिसनिंग स्किल्स यू कैन डू हियर, बिकॉज आपको इसके लिए इसको लिसन करना पड़ेगा, और आप बुक में लिसन नहीं कर सकते, बुक में सिर्फ आप पढ़ सकते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और वहाँ जानते हैं वहाँ क्या है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके स्पीकिंग स्किल्स हैं वो भी आप लेसन करेंगे तभी समझ सकेंगे, बट यहाँ पर स्कूल करिकुलर आपको दिया हुआ है तो आपको इसको क्या करना है, सर्कुलर इसको क्या करना है स्टूडेंट कि ये एट अ टाइप ऑफ पैराग्राफ जो इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो आपको ये लिखना है अपने क्लास में अपने स्कूल में। तो बोलना है क्यों लिखना है, आपको इसलिए लिखना है कि सबसे पहले तो आप क्या डालिए, अपनी क्लास का नेम डालिए, डेट डालिए, है ना। पपेट शो होने वाला है क्लास सिक्स से लेकर एट्थ वालों के लिए। डियर स्टूडेंट्स, अ पपेट शो विल बी परफॉर्म्ड इन द स्कूल हॉल फ्रॉम 11 AM टू 1 PM ऑन ट्यूजडे 4 अगस्त। इस तरह से यूज़ होने वाला है। दोज इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द शो मे गिव देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर। और जो बच्चे आना चाहते हैं वो अपने क्लास टीचर को अपना अपना नेम देते हैं। क्या क्या है यहाँ पर, ये नोटिस की तरह की इन्फॉर्मेशन दी गई है। वार्म रिगार्ड्स मिस जयती वोहरा प्रिंसिपल, है ना। मिस जयती वोहरा प्रिंसिपल की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया, उसी को हम बोलते हैं सर्कुलर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो ये आपका फॉर्मेट है, आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। पहले डेट का यूज़ करना है, पहले किसका यूज़ करना है, पहले डेट डालनी है आपको, है ना। फिर डेट के बाद टाइटल, है ना, जनरल रिसीवर जिसको आप देना चाह रहे हैं, सैल्यूटेशन जो भी, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नमस्ते जो भी, फर्स्ट पैराग्राफ फिनिशिंग पैराग्राफ दो पैराग्राफ का यूज़ करना है, सिग्नेचर का यूज़ करना है जो भी इसको लिख रहा है, और इसमें ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। द डेट शुड बी रिटन इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, डेट टॉप लेफ्ट कॉर्नर में लिखी जाएगी। द टाइटल ऑफ द करिकुलर सर्कुलर शुड बी प्लेस्ड इन द सेंटर, वो सबसे सेंटर में लिखा जाएगा। द जनरल रिसीवर इज एड्रेस्ड बिलो द टाइटल, और जो रिसीवर है वो टाइटल के नीचे ही यूज लिखा जाएगा। द फर्स्ट पैराग्राफ शुड एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ द सर्कुलर, और जो पहले पैराग्राफ में उसका पर्पज आपको बताना होगा, और सेकेंड पैराग्राफ में आप जिसको बुला रहे हैं जो भी डिटेल्स हैं वो आपको लिखनी होंगी। द सर्कुलर शुड एंड विद द नेम ऑफ द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, और जो उसको इशू कर रहा है वो अथॉरिटी सबसे लास्ट में नीचे सिग्नेचर करेगी अपने। ओके स्टूडेंट, आई होप यू आर गेटिंग इट। चलिए आगे आपको करना क्या है, आपको इसी तरह का एक सर्कुलर लिखना है। योर स्कूल इज कंडक्टिंग अ 2-डे वर्कशॉप ऑन रिमोट कंट्रोल रोबोट्स। रिमोट कंट्रोल रोबोट्स पर एक वर्कशॉप आपके स्कूल में कंडक्ट हो रहा है। स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 6 to 8 कैन पार्टिसिपेट, और 6 क्लास से 8 के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने वाले हैं। राइट अ सर्कुलर इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू द वर्कशॉप, तो बच्चों को वर्कशॉप में इनवाइट करने के लिए एक सर्कुलर आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप यू विल डू इट एंड यू गॉट ऑल द बुक एक्सरसाइज विच आई टोल्ड यू टूडे। So student, thanks for watching the video. Keep studying at home. Keep loving your parents. Always obey your parents. Thank you.